निकटवर्ती ग्राम कठायतपाड़ा में भगवती मंदिर समिति के सदस्यों ने मंदिर परिसर में पौधरोपण किया है। इस मौके पर नगरपालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल सहित वृक्ष प्रेमी किशन सिंह मरला ने पौधरोपण कार्य की शुरुआत करते हुए कहा कि अधिक से अधिक पौधरोपण ही प्राकृतिक आपदा से बचा सकता है। कठायतपाड़ा वार्ड के सभासद प्रेम सिंह हररिया तथा पूर्व प्रधान हीरा वल्लभ भट्ट ने अधिक से अधिक पौधरोपण की अपील लोगों से की है। मंदिर परिसर में फलदार, छायादार व औषधि प्रजाति पौधों का रोपण किया गया है। सीसीएन न्यूज के लिए सुष्मिता थापा के साथ सुरेश पांडे की रिपोर्ट। पहले मैं सीसीएन न्यूज को एक साल पूरा होने की बधाई और धन्यवाद करता हूँ और आपका सीसीएन न्यूज बहुत अच्छा, छोटे मोटे जितने भी गांव शहर के जो भी न्यूज़ हैं वो सब लोग शाम को देखते हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं आज माँ भगवती के प्रांगण में किशन सिंह मरला जी द्वारा वृक्षारोपण किया गया और इन्होंने बहुत सहयोग, और कितने प्रकार के जाति के पेड़ आए ये लाए हैं, रुद्रांश के पेड़ हैं, अखरोट के पेड़ हैं और क्या कहते हैं चंदन का पेड़ है, बहुत सारे जाति के पेड़ लाए हैं। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, किशन सिंह मरला जी को, जो हमारे भगवती माँ के मंदिर में जो पेड़ लगाए और गांव वालों के और हमारे गांव वाले साथ देकर सभी गांव वाले नागरिकों ने इस सहयोग किया। आज घी त्यौहार है, घी त्यौहार और अगस्त क्रांति की इस पावन मेला में हम आज इस माँ भगवती मंदिर पर एकत्रित हुए हैं। पूरे वार्ड नंबर 7 के जितने भी हमारे सारे लोग, हमारे सभासद जी, हमारे जिला नगर पंचायत के अध्यक्ष सुरेश खेतवाल जी अभी अभी चले गए हैं, वो तो सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हमारे बीच में हमारे वृक्ष प्रेमी आदरणीय हमारे छोटे भाई मलड़ा जी, किशन सिंह मलड़ा जी हमारे बीच में यहाँ पर आए हुए हैं। हम पूरे गाँव की ओर से उनका तो सर्वप्रथम धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने अपना समय निकाल कर यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छा वहाँ पर पौधारोपण अपने पौध वहाँ पर लगाए हैं। तमाम जातियों के पौधे वो यहाँ पर लाए हैं, जैसे रुद्रांश हो गया, अर्जुन हो गया, डांक हो गया, हरण हो गया, आँख हो गया, पालीजाल हो गया और अनेक प्रकार के पौधे यहाँ पर, आंवला हो गया, अनेक प्रकार के पौधे यहाँ पर लाके आज उन्होंने पूरे गांव के सहयोग से, पूरे वार्ड नंबर 7 के सहयोग से जो है यहाँ पर पौधारोपण किया है। हम मलड़ा जी को सर्वप्रथम तो उनको धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने अपना समय निकाल कर यहाँ पर आए और इन पौधों को यहाँ पर लगाया। और हम माँ भगवती से जिससे प्रार्थना भी करते हैं कि उनकी लंबी आयु हो, वो दीर्घ आयु हो, लंबे समय तक इस समाज को सेवा देते रहें। तो सबसे पहले आपको और आपके चैनल को ढेर सारी शुभकामनाएं और घी संक्रांति की आपको पुनः बधाई देता हूँ। इस मंदिर परिसर के पुजारियों और यहाँ से जो जुड़े युवा हैं इनका हमेशा सहयोग रहता है और पूर्व में भी लगाए पौधे यहाँ पर बरगद, पीपल, पाखड़ काफ़ी अच्छे इन्होंने बना रखे हैं। आज भी सौभाग्य मुझे मिला कि काफ़ी पूजा वृक्ष और जो बहुपयोगी औषधि प्रजाति के वो यहाँ पर लगाएगी, इसके लिए मैं मंदिर कमेटी का पुनः हृदय से आभार और धन्यवाद करता हूँ।